चित्रकूट से लापता हुए दो सगे भाइयों के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बता दें कि धर्मनगरी चित्रकूट में 12 दिन पहले दो सगे भाइयों को अगवा कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि सदगुरु ट्रस्ट के विद्यालय परिसर में बस के अंदर से दो बदमाशों ने तमंचे की नोक पर शिवांश व दिव्यांश नाम के सगे भाइयों का अपहरण कर लिया था और बदमाशों ने परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, जिसके बाद बदमाशों ने पीड़ित परिजनों से फिरौती की रकम भी ले ली और मासूम बच्चों की हत्या भी कर डाली। दोनों मासूमों का शव बांदा जिले के मरका थाना अंतर्गत यमुना नदी के पास मिला। वहीं मासूमों की हत्या की खबर लगते ही परिजन बेकाबू हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। इस जघन्य हत्याकांड की जानकारी हुई तो पूरे चित्रकूट में उबाल आ गया। आक्रोशित लोग लाठी डंडे लेकर ट्रस्ट पहुंच गए। भीषण नारेबाजी के बीच भीड़ ने अंदर घुसने का प्रयास किया। पुलिस के रोकने पर पत्थर भी फेंके गए। जवाब में पुलिस को आंसू के गोले फेंकने पड़े और लाठियां भांजनी पड़ी। बवाल की आशंका को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई और यूपी एमपी की सीमा को सीज कर दिया गया। पुलिस ने अभिकर्ताओं की जानकारी कलेक्ट की, उन्हीं को पकड़ के जगह की शिनाख्त की। उन्हीं के द्वारा बताया गया ये मरका के अंतर्गत जोगिनी देवी मंदिर पे जमुना घाट पे हमने बच्चों के हाथ पैर बांध कर जाली में लपेट के जंजीर से पत्थर मार के नदी में 20 तारीख की फेंक दी। उनको फिरौती की रकम भी दे दिया। इसके बाद ये हमारे बाद छोटे छोटे बच्चों की हत्या, निर्मम हत्या की। इसमें जितने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का एक भी हक नहीं है। ऐसे नर पिशाचों को तुरंत सख्त से सख्त, मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, मेरे बच्चों की जो बलि हुई है ये बेकार न जाए। ऐसे नर पिशाचों की समाज में रहने का कोई हक नहीं है। जिसके माँ की ममता को तार तार बाप। किस विद्यालय से गायब हुए थे बच्चे? इस सदगुरु पब्लिक स्कूल जानकी कुंड के पास, वहीं के परिसर से गया स्कूल बस से कैंपस के अंदर। ये कितने तारीख की बात है? 12 तारीख की बात है। 12 फरवरी दोपहर में 12:30 बजे इन्होंने पकड़ कर। वहीं रीवा रेंज के आईजी ने बताया कि मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनमें से एक आरोपी बजरंग दल के नेता का भाई भी है और उसी की गाड़ी का इस्तेमाल अपहरण में किया गया था। कि जो अपहरण करता है वो काफी पहले, मतलब आज से काफी पहले अपनी पहचान उजागर होने के डर से, या बच्चा पहचान लिया है, या उनके मन में ऐसी ही भावना मनसा शुरू से ही रही है कि हमें तो बच्चे को जीवित नहीं रखना है, मार देना है। इस पर उन्होंने दोनों बच्चों की निर्ममता पूर्वक पानी में डुबो करके हत्या कर दी है। और यहाँ नहीं, बांदा जिले के मरका थाने मरका घाट के अंतर्गत मंदिर के पास दोनों बच्चों को एक जंजीर खरीदी, जहाँ से जंजीर खरीदी वो भी जगह हमने पता कर लिया है, और दोनों बच्चों को जंजीर से बांधकर फिर एक और जंजीर से पत्थर बांधकर घाट से नीचे ये किया। कल देर रात इस बात की कबूली की। पूरे दिन भर वो हमें घुमाता रहा कि इलाहाबाद में बच्चे हैं, इसके पास हैं, उसके पास है। मेरी टीम पूरी इलाहाबाद गई, वहाँ से ट्रेन में ट्रैकिंग करते करते किए, और परंतु देर रात में जब उसकी और सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने इस हत्या का कबूल किया। अब आरोपियों पे आए तो इसमें टोटल 5 आरोपी हैं, 6 आरोपी हैं। एक सबसे पहला, अगर घटना क्रम के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले एक शिक्षक जो इनके यहाँ ट्यूशन के लिए जाता था, जहाँ से ये इसकी, हम सोच रहे थे कि ये व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वता है या पारिवारिक कलेश के कारण है या पैसों के लेन देन के कारण है, इस विषय पे हम लोग कर रहे थे। परंतु यह जो घटना निकली है, एक शिक्षक जो इनके यहाँ पढ़ाने जाता था उसने इस बात की जानकारी दी कि इस व्यक्ति ब्रजेश रावत के पास बहुत पैसा है, और उसने अपने एक मामा के लड़के। हालांकि पुलिस तो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन देखना होगा कि मामले में और कितने आरोपी लिप्त हैं। पुलिस को इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।